हेलो बच्चों, मैं अमीना और ये है हमारा तीसरा वीडियो गलिवर एंड द लिलीपुटियंस का, जिसे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। इसके पहले दो वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा, और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सभी अपने बुक का पेज नंबर 58 निकालिए। उसमें है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है, हु वॉज गुलिवर? गुलिवर कौन था? कौन था बच्चों? यस, गुलिवर वॉज अ सेलर। गुलिवर एक नाविक था। वट हिट द शिप? किस चीज़ से जहाज टकराई थी? किस चीज़ से टकराई थी? अ रॉक हिट द शिप, एक चट्टान से जहाज टकराई थी। हमारा तीसरा सवाल है, हु टाइड गुलिवर बाई रोप्स? गुलिवर को रस्सियों से किसने बांधा था? किसने बांधा था? द लिलीपुटियंस हैड टाइड गुलिवर बाई रोप्स। लिलीपुटियंस ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस? लिलीपुटियंस की ऊंचाई कितनी थी? वे कितने लंबे थे? आंसर, द लिलीपुटियंस वेयर ओनली 6 inches टॉल। लिलीपुटियंस केवल 6 inch के ही थे, उनकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 6 inch की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू हिज होम? गुलिवर कैसे अपने घर वापस गया? कैसे गया वो? आंसर, When the king granted Gulliver the permission to leave the land of Lilliput, जब लिलीपुट के राजा ने गुलिवर को परमिशन दे दिया कि ठीक है, तुम हमारा ये जमीन, हमारा ये देश छोड़ के जा सकते हो, तब fortunately he saw a boat of his size floating in the sea, किस्मत से उस समय समुद्र में गुलिवर को एक जहाज तैरता हुआ दिखा जो उसके साइज का था। उसके साइज का था यानी अब तक वो लिलीपुट के कंट्री में था, जहाँ सभी लोग और सब कुछ वहाँ पर छोटे साइज का था। तो जब उसने जहाज को देखा समुद्र में जो उसके साइज का था, वो बहुत खुश हुआ। देन ही रेज्ड हिज हैंड्स, तो उसने अपने हाथों को उठाया ताकि जो लोग जहाज में हैं वो गुलिवर को देख सके, और उन्होंने देखा भी। एंड दे केम नियर, और वे लोग गुलिवर के सामने आए, समुद्र के किनारे आए। एंड टुक हिम अलोंग विद देम टू इंग्लैंड, और वे लोग अपने साथ गुलिवर को इंग्लैंड ले गए, और इस तरह से गुलिवर अपने देश, अपने घर पहुंच गया। तो बच्चों, यहाँ तक था हमारा क्वेश्चंस और उनका आंसर्स, और फिर हम देखेंगे बी, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। ये है एक्सरसाइज बी। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इन ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है, भरना है स्टोरी की सहायता से। अभी जो हमने स्टोरी हमने पढ़ा और सीखा, उस स्टोरी को याद करते हुए हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए करते हैं। गुलिवर वॉज अ बॉर्न डैश, क्या था वो? Yes, sailor. He was a born sailor. He was from, वो कहाँ का रहने वाला था? वो इंग्लैंड का रहने वाला था। Once a very dash storm, एक बार बहुत कैसा तेज तूफान उठा। Yes, strong storm arose in the, कहाँ उठा था? Sea, समुद्र में। He lost his control and the ship, तो तूफान के कारण गुलिवर ने अपना संयम खो दिया और उसका जहाज एक चट्टान से जाकर हिट किया, हिट यानी टकराया। एंड ब्रोक इनटू, और वो टूट गया किसमें? टुकड़ों में, पीसेस। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। यहाँ पर जो 5 sentences हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको अगर लगता है वो सही है, सही यानी ट्रू है, तो आपको
इन बॉक्स में टी लिखना है, लेकिन आपको अगर लगता है वो गलत है तो क्या लिखना है बच्चों? एफ़ लिखना है, फॉल्स यानी गलत, ट्रू यानी सही। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, गुलीवर वॉज अ बॉर्न टेलर। गुलीवर एक दर्जी था, क्या था वो? नो, वो क्या था? ही वॉज अ सेलर, वो एक सेलर था, नाविक था। तो बच्चों यहाँ क्या होगा इस बॉक्स में? एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का रहने वाला था, क्या था? बिल्कुल सही, वो इंग्लैंड का ही रहने वाला था। ऑल वेयर अबाउट 6 inches टॉल, सभी वहाँ पर 6 inch के थे, सभी की लंबाई 6 inch की थी, ठीक है? यस, ये सही है, टी होगा यहाँ पर, ट्रू। गुलीवर ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप्स, गुलीवर ने उन मजबूत रस्सियों को तोड़ दिया था, तोड़ा था क्या? बिल्कुल सही, तोड़ा था, टी, ये सही है, इसलिए टी। नंबर 5, द लिलीपुटियंस लिफ्टेड गुलीवर टू द प्लेटफॉर्म, लिलीपुटियंस ने गुलीवर को उठा करके मंच पर रखा था, रखा था क्या? हाँ, उन्होंने रखा था, टी। सो बच्चों यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन आंसर्स और ये 2 exercises। होपफुली आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों देखने के लिए।